सो गाइस, जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि हर मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग तरीके से निकालूँ। सो गाइस, आज आप लोगों के सामने बहुत ही एक बढ़िया ट्रिक ले आया हूँ, जिस ट्रिक को आप यूज करके गाइस आप लोगों को बहुत ही बेहतर फील होगा। सो गाइस, जिस एप्लीकेशन के बारे में आज बताने वाला हूँ, उस एप्लीकेशन का गाइस आप लोगों को फाइनली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चाहते हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, हम लोग को ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं वीडियो को यहीं से शुरू करता हूँ। चलिए, इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जैसे ओपन करिएगा, आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पासवर्ड लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। पासवर्ड कैसे जनरेट, पासवर्ड डालिएगा। पल के लिए मैं आप लोगों के डिस्प्ले पिन बना के दिखा दूंगा, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग एम पिन में आप लोग अपने मन से कुछ भी 4 अंक अपना, यहाँ पे आप लोग रेफरल कोड जरूर डालिएगा, यहाँ पे भर के और अपना दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे पासवर्ड आप लोग ऊपर देख सकते हैं, मैं जैसे जनरेट कर रहा हूँ आप लोग ऐसे जनरेट कर सकते। इस अगर आप लोगों का पासवर्ड सही होगा तो रेड से ग्रीन बन जाएगा। मेरा पासवर्ड क्लियर सही है, इसलिए मेरा ग्रीन हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे फाइनली मैं अपना रेफरल कोड डाल दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को रेफरल कोड मिल जाएगा। मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उसको लीजिएगा। और आपके ईमेल पे भी OTP जाएगा, उसको वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। गाइस आप लोगों को सब कुछ ओपन हो जाए, ठीक है। चलिए, मैं आप लोगों को डाल के दिखा दे रहा हूँ। दोनों का दोनों OTP डाल चुके, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अपने प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाना है। गाइस, प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैनेज KYC लिखा है, आप लोगों को यहाँ पे जाना। यहाँ पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाले के ऑप्शन पे आप लोगों को पैन कार्ड अपलोड कर दिया, यहाँ पे जाइएगा और अपना पैन कार्ड का नाम डाल दीजिएगा। और उसके बाद से अपना पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो डाल दीजिएगा। और बाद से गाइस आप लोग यहाँ पे पिन नंबर डाल देना है, नीचे की तरफ यहाँ पे आप लोगों को पिन कार्ड का फोटो अपलोड कर देना है, ठीक। सो गाइस, सब कुछ डालने के बाद आप लोगों को सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद गाइस आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा पैन कार्ड प्रोसेसिंग में चला गया, कुछ देर बाद ये आप लोगों को वेरीफाई हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग पास जो होगा आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास आधार कार्ड है, मैं यहाँ से आधार कार्ड से वेरीफाई कर लेता हूँ। बाद से आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर 12 डिजिट का जो नंबर होता है आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद से यहाँ पे आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइज का फोटो अपलोड कर देना है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप लोग ये भी देख सकते हो मेरा प्रोसेसिंग में चला गया, ये भी कुछ देर के बाद आप लोगों को वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सेल्फी में जाना है। सेल्फी में जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आधार कार्ड अपने हाथ में लेके और एक सेल्फी लेना है। सेल्फी लेने के बाद यहाँ पे जाके वो अपलोड कर देना है। चलिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आधार कार्ड लेना है और प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, और यहाँ से जाके अपना सेल्फी वाला आधार कार्ड का फोटो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, उसके बाद से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप लोगों को यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना है, और आप लोगों को याद रहे कि यहाँ पे 3 MB से कम ही का फोटो होना चाहिए, तभी यह सबमिट होगा। तो मैं अपना फोटो अपलोड कर दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये भी मेरा प्रोसेसिंग में चला गया है। अब आप लोगों को फाइनली कुछ ही देर के बाद ये आप लोगों का आईडी प्रूफ सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद से आप लोगों के पास यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे KYC का अप्रूव मैसेज आ चुका है। आप लोगों के योर KYC हैज बीन अप्रूव्ड, KYC अप्रूव्ड होने में आप लोगों के लमसम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा KYC अप्रूव्ड हो चुका है। उसके बाद से अब आप लोगों को गाइस यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे जाना है बिटकॉइन के ऑप्शन पे, यहाँ पे आप लोगों के नीचे की तरफ दिख जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे बिटकॉइन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को फाइनली इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने यहाँ पे सेल का ऑप्शन दिख जाए, आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हो। इसको सेल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे गाइस आप लोग 100% पे क्लिक कर दीजिएगा 2 बार, और जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा आप लोगों के 99 रुपया 97 ऐसे कुछ मेरे पास बिटकॉइन है। बिटकॉइन का रुपया इंडियन रुपीस में मेरे पास हुआ 99 रुपये, इतना पैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते। ये सब आप लोगों को देखने के बाद लोगों को क्या करना है, यहाँ पे पे के ऑप्शन पे क्लिक कर दे। पे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप लोग जो 4 डिजिट का पिन बनाए थे, जो कि मैं आप लोगों को बताया था, वो आप लोग को यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप लोग डालोगे वो सब फाइनल कर लेने के बाद गाइस सब आप क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे देखते रहिएगा कि बिटकॉइन का दाम कब बढ़ रहा है, ठीक है। आप लोग 100 रुपये से कम विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, तो गाइस आप लोग छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पे बिटकॉइन का दाम कब तक बढ़ रहा है। जैसे ही आप लोग 100 रुपया होगा आप लोग करके विड्रॉल कर सकते हैं, या उसी को छोड़ देंगे तो और भी ज्यादा उसका दाम बढ़ जाएगा। तो आप लोग जैसा चाहते हो वैसा कर सकते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ऐसे तो मैं अभी भी विड्रॉल मैं नहीं करूंगा। आपको विड्रॉल करना है तो गाइस आप लोग ऐसे ही विड्रॉल कर सकते हैं, बता दे रहा हूँ आप लोग कैसे विड्रॉल कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाना है। प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे बैंक पेमेंट यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, अपना UPI पिन डाल दीजिएगा और सबमिट कर दीजिए।